पार्टी का नहीं छीना गया, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने के मुतारादिफ है, क्योंकि 50-60% पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो, यहाँ खानदगी की शरह कम है और वो निशान देखकर वहाँ कैंडिडेट्स जो है इस रीजन सारे में वो अपना जो है चॉइस देते हैं, और अगर जमहूरियत में चॉइस नहीं दी जाती है तो जमहूरी अमल ही वो जो है वो फार्सिकल हो जाता है। तो बाहर गए, उन्होंने कहा वो हमारा, तो फिर उन्होंने कहा वो किधर है, हमने कहा कि आपके पास हमने नालिश कर रखी है। फिर उन्होंने आमिर खान साहब को बुलवाया और कहा उसको लगाया जाए, और जब मैंने अर्ज़ किया कि हमारे ये तो कारिंदे को यहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है उठा लिया जाता है और आपके पास शिकायत मौजूद है और इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है, एक कन्विक्शन, हालांकि सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है, ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी हवाला दिया कि जिन्होंने कहा कि 200 साल तक हिंदुस्तान को अब आज़ादी इसलिए हासिल नहीं कर सका क्योंकि कोई सियासी जमात उस वक्त मुनज़्ज़म नहीं थी और कोई क़यादत सियासी जमात की उस वक्त नहीं थी और रडरलेस था, और इतना ज़्यादा अहमियत सियासी जमातों की और इतनी ज़्यादा अहमियत एक उस कायद की होती है कि पाकिस्तान बना ही इसलिए कि मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म जब हुई और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब उसके सरबराह थे तो उनकी वलवला अंगेज क़्यादत के तहत जो है पाकिस्तान बना, वरना 200 साल से आज़ादी हमें मुयसर ना आई थी। अब फिर जो है इमरान खान को इस तरह पार्टी से हटाने का मतलब ये है कि रडरलेस अब फिर आपने बनाया, जमहूरी अमल को सैबोटाज किया इलेक्शन कमीशन ने। तो वो कहने लगे कि हम इदारे को, मैंने कहा जी इदारे का सवाल पैदा नहीं होता है, ये अफराद हैं जिन्होंने किया है और हमने ऑर्डर 1 रूल 10 की दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो मुस्ताफ़ी हो चुका है कल से, उसने अपने जवाब में लिखा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब सो कॉल्ड दिया गया, हालांकि वो सेक्रेटरी ने दिया, उसने कहा मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मैं तो सिर्फ जो है वो आगे से चिट्ठियाँ लिखने का मेरा अख्तियार है, मेरा अख्तियार उससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसलिए हमने उन मेम्बरान को भी कर दी फरीक बनाने की दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इस कदर बायस्ड है, मैंने अर्ज किया इस कदर बायस्ड है कि जेल में जाकर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन का जेल में जाके नोटिस दिया है, तो इससे ज़्यादा बदनीयती बदयानती क्या हो सकती है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सारी दुनिया देख रही है इस वक्त क्या तमाशा पाकिस्तान में बना हुआ है, हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ यानी डीपीओ इसके तहत एमपीओ के तहत हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं, आपने देखा शाह महमूद पूरा जो है मंसेरा पूरे के खिलाफ जो है जितने हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो हमारे वो हैं अपना स्वाति साहब हैं, चाहे वो हमारे जितने मेम्बरान हैं, उन सारों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स किए हुए हैं। और डिटेंशन ऑर्डर्स कौन करता है? डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, आप अंदाज़ा करें कि वो सारे हमारे। फिर 144 का, तो कहने लगे चीफ साहब के जी 144 तो सभी के लिए होता है, और मैंने कहा जी सभी के लिए होता है, ये लोग तो ये तो जाने लायक ही नहीं है, लोग इनसे जो है इनका तिया पाँचा करते हैं क्योंकि इन्होंने तबाह हाल करके मुल्क को रख दिया है पीडीएम की जमातें। तो फरमाने लगे ये तो केयर टेकर है, मैंने कहा जी केयर टेकर तसलसल है पीडीएम का, इसलिए माफ़ कीजिएगा ये पीडीएम ही है, वो तो इलाके में कैंपेन करने के लिए जाने लायक ही नहीं है, ये 144 सिर्फ पीटीआई के लिए लगाया है। और बाकी जो रहा जहाँ तक ताल्लुक है जलसों का, वो आप देखें सारों के इजाज़त है, लेकिन पीटीआई के किसी जो है जगह पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका हुक्म आपने जारी किया था 22 दिसंबर
2024 को। हमने कहा सीडीज ज़रा देख लें, नहीं 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 सीडीज तो है। हमने कहा ये ज़रा देख लें जो हमने ये इसमें सारी लगाई हैं, बयान अल्फी लगाए हैं और उनको हम लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इस सारा जो है ये चूंकि 700 सफ़ों का इन्होंने दिया है, आप कह रहे हैं कि ये झूठ का मलबा है, तो आप इसकी तर्दीद में इसका जवाब दे दीजिए, चूँकि वो आज ही उन्होंने अदालत में दाखिल की है। तो इसलिए आप सोमवार का मैं आपकी सोमवार का जो है इसलिए दी है, हम इसका मुफसल न सिर्फ जवाब देंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे कि ये झूठ उन्होंने किया है और ये झूठ की पादाश में भी उनको एक तौहीन अदालत तजहीक का आंसर होता है और वो करें। इसलिए ये जो 700 सफात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया है, उस जवाब को पढ़े बगैर आपने टाइम भी ले लिया कोर्ट से जवाब पढ़ने के लिए, और आप कह रहे हैं वो सारा झूठ है। आपने तो पढ़ा ही नहीं है वो जवाब, वो टाइम भी ले लिया कोर्ट से पढ़ने के लिए और फिर कह रहे हैं वो सारा झूठ है। 35 केस, 35 वहाँ से है, 12 सरगोधा से है। और साहब बड़ी अच्छी रही, हाँ बहुत अच्छी रही, वो मिले मिले बड़े हमें हमारी कोई जाति दुश्मनी देखें देखें जहाँ तक ताल्लुक है, ये वहाँ उन्होंने पढ़ के सुनाए जब जज साहब ने, तो उसमें लिखा हुआ था कंप्लायंस कंप्लीट कर दी है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मुझे बताएं इसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि हमने तो पहले अपनी ओरिजिनल पटिशन के साथ भी लगाए हुए हैं। हमने आज एक जो सीएम दी थी जो पहले उनके जवाब के रोशनी में दी थी, इसके साथ भी हमने लगाए हैं। सीडीज भी हम लेकर आए हुए हैं, लेकिन सीडीज यूएसडी वो भी है, आपको भी दे देते हैं, आप भी ज़रा दिखा दें ताकि जो टीवी नहीं देखते वो भी देख लें कि क्या हुआ है। और वैसे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि आपने खुद चलाई हैं ये सारे, पाकिस्तान में आपने चलाई हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसलिए ये हम अब इनके हर उसका जो जिसमें उन्होंने कहा है जी इस ज़िले में इतने हैं, इस ज़िले में इतना है, इस ज़िले में इतना है, तो अगर आपने एक आर ओ के खिलाफ, एक DPO के खिलाफ, एक पुलिस SHO के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ नहीं किया है, जबकि मेरी बारों में मुझे पता है कि वकीलों को जो है अप्रीहेंड करके अरेस्ट किया गया, बारों ने एहतजाज करके जाके वहाँ छुड़वाए हैं DPO ने। मैंने खुद 2-3 जगह पे जाके नारोवाल में खुद गया, वहाँ मैंने देखा ब्लॉक किया हुआ था पूरा पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो है दफातर को, और अंदर जाने की किसी को इजाज़त ना थी। और जो आज इन्होंने मेरे बेटे को खुद इसलिए उठा लिया गया कि वो कागजात नामजदगी के सिलसिला में जब अदालत से आया तो वहाँ पुलिस वाले आए और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, जो अगले ही दिन बाकिर नजफी साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में न सिर्फ उनकी हथकड़ियाँ खुलवाई गई, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, न सिर्फ किया गया बल्कि के उस केस को क्वाश करके FIR को भी खारिज करके लिखा बाकिर नजफी साहब, जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने कि ये बदनीयती पर मबनी है और ये शाखसाना है उसी तसलसल का जिसमें ये जो है पैरवी कर रहे थे कागजात नामजदगी के इखराज के खिलाफ, और वहाँ जाके पुलिस वाले ने ये किया। तो ये इसलिए हमारे पास इतनी शवाहद है, इंशाल्लाह खतर जमा रखेंगे। ये बता दीजिए कि रिटर्निंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, तमाम तर इदारे जो हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। इस तरह की हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं इलेक्शंस के बाद जब पार्टीज हार जाती हैं, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पार्टी को बायकॉट का मशवरा देना ज़्यादा बेहतर हाल है? जी बिल्कुल, बायकॉट नहीं करने देंगे। हमने बायकॉट अभी बांग्लादेश में देख लिया है, बांग्लादेश में देख लिया है, एक फ्रॉड इलेक्शन आपके सामने हुआ है, हमने बायकॉट 1985 का देख लिया, वहाँ गैर जमाती इलेक्शंस हुए थे। हम इसको किसी कीमत पर फ्री हैंड नहीं देंगे, यही ये चाहते हैं। देखें 8 फरवरी को जो गैज़ो गज़ब गमो गुस्सा आवाम का है, वो वोट के देखें आपके ठप्पे के शक्ल में नज़र आएगा आपको, इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती नज़र आएगी। और इसी खौफ से ये इलेक्शन भागने की फरार की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये सेनेट से करारदाद मंजूर करवाते हैं और कभी इस तरह की हथकंडे करते हैं। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है इलेक्शन कमीशन के, कल दिया है, अब कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ और भी सुना है इस्तीफे आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बिल्कुल इनको भागने नहीं देंगे, इलेक्शन को हम यकीनी बनाएंगे कि 8 फरवरी को। पार्टी की क़यादत ने, PTI की क़यादत ने काजी फायज़ ईसा साहब पर एतमाद का इजहार किया,
ہیں جبکہ شیر افضل مروت اپنے بیان پر ابھی بھی قائم ہے، آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کو بھی عدم اعتماد؟ دیکھیں ہم نے تو آخر نالش انہی کے پاس لے کے آنی ہے، ہم توقع دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو ملتے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو جواب دے ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے فیصلے کریں گے۔ اگر یہ تو احادیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور جج فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ جج جو تسال اور نااہلی سے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جو جج کسی اور غلط فیصلہ کسی اور اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، صرف ایک ہی جج جو ہے جنت میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بلا خوف۔ فیصل صاحب یہ بتائیں آج آپ کی جس طرح کے آپ نے الزامات لگائے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کیا کسی اور نشان پہ لڑیں گے، اور دوسرا کیا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کل لگا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ میں، ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان ریسٹور ہوگا۔ پرسوں ادھر اسلام آباد سپریم کورٹ نے بھی اسی شاخصانے کو جو ہے لگا دیا ہے، بلے کا نشان ہمیں انشاءاللہ مل کے رہے گا، وگرنا بھی ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے پلان بالکل ہے جو میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ خود صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ساتھ رہے اور آپ عمران خان کے، دونوں میں سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یقینی بات ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو پابا سلاسل کر کے پھانسی دے دی گئی اور وہ بھی ہینری کسنگر کی دھمکی پر امریکہ نے دی کہ ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اب عمران خان کو ڈونلڈ لو جو ہے وہاں امریکہ کا وہ دھمکی دے رہا ہے اسد مجید کو کہ اگر عمران خان کو نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب اگر عمران خان کی اسی سائفر وہ بھی راجہ بازار میں ذوالفقار علی بھٹو نے لہرایا تھا اور اس نے نہیں جو ہے وہ چھوڑا تھا، پاکستان کے مفاد کو اس میں مقدم رکھ کے جو ہے یہ ایٹم بم بنایا اور آج ہماری دفاع سیسا پلائی دیوار ہے، اس نے بھی جو ہے عمران خان نے بھی یہ پیپلز پولیٹکس کرتے تھے، بھٹو بھی پیپلز پولیٹکس کرتا تھا، عمران نے بھی پیپلز پولیٹکس کر کے ان الیکٹیبلز کو فارغ کر کے رکھ دیا ہے، بھٹو نے بھی کھمبے کو جو ہے ٹکٹ دی تھی تو وہ بن گیا تھا، عمران خان کا بھی آج ورکر جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جیتے گا۔ سو اس لیے عمران خان کو پابا سلاسل ضرور کیا ہے، لیکن دیکھیں پابا سلاسل ضرور کیا ہے، ہماری غلامی تابے داری دیکھیں، ہم نے اس کو نکال کے ڈونلڈ لو کو ہم نے کہا صرف نکالتے نہیں ہیں، ہم نے اسے پابا سلاسل بھی کر دیا اور ہم اس کا کیس بھی اتنی تیزی سے چلا رہے ہیں۔ کیسے جواب مانگے گی حکومت میں آتے ہیں؟ میں جواب طلب کریں گی حکومت دیکھیں، یہ ڈیموش لکھ دیا اسٹرانگ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، آپ کو بھی پتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے، سارے پاکستان کو پتا ہے کہ عمران خان کو کس سازش کے تحت نکالا گیا ہے، مجھے اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس میں سر منہ صداقت ہوتی تو آج پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ آج اوورسیز کو کل میں نے ایڈریس کیا ہے، نارتھ امریکہ کے اوورسیز سارے پاکستانی اکٹھے تھے، ڈاکٹرز کا بہت بڑا کٹ تھا، 99% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یقین کیجئے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور کاش کہ ہم انہیں حق دے دیں، وہ پاکستان کے سارے قرضے اتار کے رکھ دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔